ऐसा शख्स जो भारत में मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल, एक महान वैज्ञानिक। हम बात कर रहे हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटि गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता ना तो ज्यादा पढ़े लिखे ना ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पे दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई और 5 बहनें थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट पे ले गए, जहां उड़ते हुए पंछियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पंछियों को देखकर कलाम ने यह तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1973 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम SLV-3 का प्रमुख बनाया गया। इस प्रोग्राम का मिशन 1980 तक सैटेलाइट रोहिणी का लॉन्च करना था। मिशन के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई, एक बड़ा बजट स्वीकृत किया गया, मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ लक्ष्य प्राप्ति में जुट गए। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद 1979 में वे सैटेलाइट लॉन्च करने की स्थिति में पहुंच गए। अगस्त 1979 में सैटेलाइट रोहिणी को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर ली गई। प्रोजेक्ट प्रमुख होने के कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कंट्रोल रूम में बटन दबाकर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आगे बढ़े। तब कंप्यूटर ने लॉन्च के लिए आवश्यक समस्त चीजों को चेक करने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रोजेक्ट में कुछ कमियां हैं जिन्हें सही करना आवश्यक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अन्य एक्सपर्ट से सलाह की तो सब ने यही यकीन दिलाया कि सब कुछ सही है, और कंप्यूटर के निर्देश के बाद भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सैटेलाइट रोहिणी लॉन्च कर दी। प्रथम चरण में तो सब कुछ ठीक रहा, किंतु दूसरे चरण में गड़बड़ी हो गई और सैटेलाइट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। इस असफलता पर डॉक्टर APJ कलाम दुखी थे। आखिर कंप्यूटर के निर्देश को बाईपास कर देना उनकी गलती थी। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और प्रोजेक्ट की असफलता की सारी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामियों के चलते यह प्रोजेक्ट असफल हो गया, किंतु सभी खामियों को सुधार कर यह प्रोजेक्ट अगले वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिसके बाद जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ उन्हीं को है। जुलाई 1982 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति में संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। यूं तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब में लिखा कि 10 जून 2002 की सुबह अनुसंधान परियोजनाओं पर
प्रोफेसर और छात्रों के साथ में काम कर रहा था। ये दिन विश्वविद्यालय के खूबसूरत वातावरण में किसी भी अन्य दिन की तरह था। मेरी क्लास की क्षमता 60 छात्रों की थी, लेकिन हर लेक्चर के दौरान 350 से अधिक छात्र पहुंच जाते थे। मेरा उद्देश्य अपने कई राष्ट्रीय मिशनों में अपने अनुभव को साझा करना था। दिन भर के लेक्चर के बाद जब मैं शाम को लौटा तो अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर काला निधि ने बताया कि मेरे ऑफिस में दिन में कई बार फोन आए हैं और कोई बड़ी व्यग्रतापूर्वक मुझे संपर्क करना चाहता है। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि फोन की घंटी बज रही। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से फोन कनेक्ट होने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का मेरे मोबाइल पर फोन आया। नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और आप मना मत कीजिएगा। मैं नायडू से बात कर ही रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी से कॉल कनेक्ट हुई। वाजपेयी ने फोन पर कहा कि कलाम, आपकी शैक्षणिक जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने कहा, बहुत अच्छी। वाजपेयी ने आगे कहा कि मेरे पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मैं अभी गठबंधन के सभी नेताओं के साथ एक अहम बैठक करके आ रहा हूँ और हम सब ने फैसला किया है कि देश को आपकी एक राष्ट्रपति के रूप में जरूरत है, आपकी सहमति चाहिए। वाजपेयी ने कहा कि मैं सिर्फ हाँ चाहता हूँ, ना नहीं। मैंने वाजपेयी जी से कहा कि क्या आप मुझे यह फैसला लेने के लिए 2 घंटे का समय दे सकते हैं? वाजपेयी जी ने कहा कि आपकी हाँ के बाद हम सर्वसम्मति पर काम करेंगे। अगले 2 घंटे में मैंने मेरे करीबी दोस्तों को करीब 30 कॉल किए, जिसमें कई सिविल सर्विस में थे तो कुछ राजनीति से जुड़े लोग थे। एक राय थी कि मैं शैक्षणिक जीवन का आनंद ले रहा हूँ, ये मेरा जुनून और प्यार है, मुझे इससे परेशान नहीं होना चाहिए। वह दूसरी राय थी कि मेरे पास मौका है भारत 2020 मिशन को देश और संसद के सामने प्रस्तुत करने का। ठीक 2 घंटे बाद वाजपेयी जी को मैंने फ़ोन किया और कहा कि मैं महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार हूँ। वाजपेयी जी ने कहा, धन्यवाद। इसके बाद 15 मिनट के अंदर ये खबर पूरे देश में फैल गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे पास फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई, मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई और मेरे कमरों में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। उसी दिन वाजपेयी जी ने विपक्ष की नेता सोनिया गांधी से बात की। जब सोनिया ने उनसे पूछा कि NDA की पसंद फाइनल है, प्रधानमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के सदस्यों और सहयोगी दलों से बात कर मेरी उम्मीदवारी के लिए समर्थन किया। मुझे अच्छा लगता अगर मुझे लेफ्ट का भी समर्थन मिलता, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार मनोनीत किया। कुल 2 प्रत्याशियों में कलाम को 922,884 वोट मिले। वहीं लेफ्ट समर्थक उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 मत। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारी गण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोशल डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उदारित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफी मांग है और वहां इन्हें बहुत पसंद भी किया जाता है। यूं तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरोमोर राष्ट्र बनता देखना चाहते थे। कार्यकाल छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालात में इन्हें बेथानी अस्पताल के ICU में ले जाया गया और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया।
जहां पार्थिव शरीर को वायुसेना के विमान C-130J हरकुलस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 बजे विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजनयिक सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुख इनकी आवागमी की और कलाम के पार्थिव शरीर को पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरेज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग ले जाया गया। यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करम्बू ग्राउंड में दफन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 3.5 लाख से अधिक लोग ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।